भारतीय रेल की अगर बात की जाए तो भारतीय रेल को इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बैकबोन कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क की सूची में भी भारतीय रेल शामिल है। लाखों की संख्या में लोग रोजाना भारतीय रेल से सफर करते हैं। ट्रेनों में सफर के दौरान अगर आपने गौर किया होगा तो पाया होगा कि ज्यादातर ट्रेनों में केवल एक रेल इंजन लगा होता है, लेकिन कभी ना कभी आपने ऐसी ट्रेन जरूर देखी होगी जिसमें दो रेल इंजन लगे होते हैं। लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों और गुड्स ट्रेनों में दो इंजन लगे होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अगर हम एक पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो इसके इंजन में 4000 से 6000 हॉर्स पावर की ताकत होती है। ट्रेन का यह इंजन करीब 1000 टन के डिब्बों को 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खींच सकता है। अब सवाल यह है कि जब रेल इंजन इतना पावरफुल होता है तो फिर किसी ट्रेन में दो लोकोमोटिव क्यों लगाए जाते हैं? लोकोमोटिव यानी रेल इंजन। जानेंगे इस सवाल का जवाब इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय रेल के ज्यादातर ट्रेनों में आपको एक लोकोमोटिव यानी कि एक रेल इंजन ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ट्रेनों में दो लोकोमोटिव भी देखने को मिलते हैं। दो या दो से अधिक लोकोमोटिव आपको ज्यादातर गुड्स ट्रेन में देखने को मिलेंगे। किसी भी ट्रेन में दो लोकोमोटिव लगाने का पहला कारण है एडिशनल पावर। अगर किसी ट्रेन में लगा अकेला इंजन उतना पावर जनरेट नहीं कर पाता जितना कि उस ट्रेन में लगे डिब्बों को खींचने के लिए चाहिए, तो ऐसे में डबल लोकोमोटिव यूज किया जाता है। ज्यादातर लंबे रूट वाले गुड्स ट्रेन जिनमें डिब्बों की संख्या ज्यादा होती है उनमें डबल लोकोमोटिव यूज किया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि किसी ट्रेन में सफर के दौरान एक लोकोमोटिव ही लगा होता है, लेकिन किसी खास स्टेशन पर उसमें दूसरा लोकोमोटिव ऐड किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस स्टेशन से आगे ट्रेन को या तो चढ़ाई करनी होती है या फिर ढाल से उतरना होता है। अगर ट्रेन चढ़ाई कर रही होती है तो दूसरा लोकोमोटिव ट्रेन के पीछे अटैच किया जाता है ताकि उसे पीछे से सहारा दे सके, और अगर ट्रेन ढाल से उतर रही होती है तो दूसरा लोकोमोटिव आगे लगाया जाता है ताकि ढलान पर ट्रेन की स्पीड कंट्रोल में रहे। अति आवश्यक सेवाओं के लिए चलाए जाने वाले ट्रेनों में भी डबल इंजन लगाया जाता है ताकि उन्हें तय समय पर डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। इनमें एक डीजल इंजन और दूसरा इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यदि बीच रास्ते में इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाए या पावर ग्रिड फेल हो जाए तो ऐसे में डीजल इंजन को काम में लाया जा सकता है। ट्रेनों में डबल लोकोमोटिव यूज करने का दूसरा कारण है स्पीड। ट्रेनों के स्पीड को बढ़ाने के लिए भी डबल लोकोमोटिव का यूज किया जाता है। एक्स्ट्रा लोकोमोटिव ट्रेन में तब अटैच किया जाता है जब अकेला लोकोमोटिव ट्रेन को खींच तो लेता है पर स्पीड नहीं दे पाता। ऐसे में डबल लोकोमोटिव का यूज करके ट्रेन को स्पीड दिया जाता है। ट्रेनों में लगे डबल लोकोमोटिव को मल्टीपल यूनिट कहा जाता है, जिसमें आगे वाले लोकोमोटिव को लीड लोको और पीछे वाले लोकोमोटिव को ट्रायल लोको कहा जाता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि दोनों रेल इंजन में अलग अलग ड्राइवर होते हैं तो आपको बता दें कि लीड लोको में बैठा ड्राइवर ही दोनों इंजन को कंट्रोल करता है। दोनों लोकोमोटिव 27 पिन वाले केबल से कनेक्टेड होते हैं जिसे कंट्रोल केबल कहा जाता है। ऐसे में लीड लोको में बैठा ड्राइवर इंजन को जो कमांड देता है ट्रायल लोको में भी वही कमांड पास होते हैं। यानी अगर लोको पायलट लीड लोको में ब्रेक लगाएगा तो ट्रायल लोको में भी ब्रेक लगेगा, और अगर लोको पायलट लीड लोको का स्पीड बढ़ाएगा तो ट्रायल लोको का भी स्पीड बढ़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ नया जाना हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।